दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। तो आइए जानते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। यह शिव जी का चौथा प्रमुख ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दो रूप ओमकारेश्वर और मंगलेश्वर की पूजा की जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग को शिव महापुराण में परमेश्वर लिंग कहा गया है। यह परमेश्वर लिंग इस तीर्थ में कैसे प्रकट हुआ अथवा इसकी स्थापना कैसे हुई, इस संबंध में शिव पुराण की कथा इस प्रकार है। शिव पुराण में वर्णित कथा। एक बार मुनिश्रेष्ठ नारद ऋषि घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर पहुंच गए। विंध्य ने बड़े आदर सम्मान के साथ उनकी विधिवत पूजा की। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन के में लिए विंध्यांचल नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। अहंकार नाश श्री नारद जी विंध्यांचल के अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद विंध्य पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी, आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची। नारद जी ने विंध्यांचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्यांचल को बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगा। उसने निश्चय किया कि अब वह विश्वनाथ भगवान सदाशिव की आराधना और तपस्या करेगा। इस प्रकार विचार करने के बाद वह भगवान शिव शंकर की सेवा में चला गया, जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेमपूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति मिट्टी की शिवलिंग बनाई और 6 महीने तक लगातार उसके पूजन में तन्मय रहा। वह शंभू की आराधना पूजा के बाद निरंतर उनके ध्यान में तलीन और हो गया और अपने स्थान से इधर उधर नहीं हुआ। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्यांचल को अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिखाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होता है। सदाशिव भगवान प्रसन्नतापूर्वक विंध्यांचल से बोले, विंध्य मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को उनका अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ, इसलिए तुम वर मांगो। विंध्य ने कहा, देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो भक्तवत्सल हमारे कार्य की सिद्धि करने वाली यह अभीष्ट बुद्धि हमें प्रदान करें। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उससे कहा कि पर्वतराज, मैं तुम्हें वह उत्तम वर बुद्धि प्रदान करता हूँ। तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु आप हमेशा के लिए यहां स्थित और स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से महेश्वर भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। लोगों को सुख पहुंचाने वाले परमेश्वर शिव ने उन ऋषियों तथा देवताओं की बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। वहां स्थित एक ही ओमकारेश्वर लिंग दो स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए, उन्हें ओमकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी, वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार भक्तजनों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले ओमकारेश्वर और परमेश्वर नाम से शिव के ये ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों,
इस प्रकार है ओमकारेश्वर की कथा। धन्यवाद दोस्तों।